हायर के एसपीसीबी में E7 का एरर आ रहा है और इस वजह से जो है वो यूनिट मुकम्मल तौर पे बंद है। अब इसमें क्या फॉल्ट है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है वो ब्लोअर से साफ करने की कोशिश की है लेकिन ये साफ नहीं हुआ है। तो इस पे ये देखें डस्ट जो है वो बहुत बुरी तरीके से आ गई हुई है, लेकिन इसकी सफाई हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि ऑन करते हैं इसको। मैं रिएक्टर लगा देता हूँ क्योंकि रिएक्टर के बगैर इसने ऑन नहीं होना है। रिएक्टर मैंने लगा दिया है, अब मैं इसको इलेक्ट्रिक देता हूँ। सबसे पहले जो इसकी LED 2 होती है ये ऑन होती है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। और जो ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक दी है LED 2 जो है वो ऑन हो गई है, लेकिन इसकी जो LED 1 है कुछ देर बाद उसको भी ऑन होना चाहिए। तो ये है जी इसकी LED 1, इसको मैं थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, हमें ज़्यादा साफ नज़र आ जाएगा। तो देखें ये LED 1 है, अगर ये ऑन नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इस PCB में खराबी मौजूद है। लेकिन कहां पर वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि कुछ PCB जो होते हैं उनमें रिलेज का फर्क होता है, अगर उसमें छोटी रिले जो है वो काम नहीं करेगी तो फिर वो प्रॉब्लम करेगी। लेकिन ये वो PCB है जिसमें के एक ही रिले है और इसकी जो मेन इलेक्ट्रिक जो फर्स्ट टाइम स्टार्टअप पे आ रही होती है वो हो रही आ रही होती है जी। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसकी हम इलेक्ट्रिक बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिक को बंद करके और सिस्टम को हम डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिक से डिस्चार्ज करेंगे। इसके लिए मैं सोल्डिंग आयरन यूज़ करता हूं और इसके प्रोब्स को मैं यहां पे लगा रहा हूं। तो मैंने यहां पे लगाया और ये मेरा सिस्टम जो है वो डिस्चार्ज हो गया, लाइट जो है वो ग्रेजुअली ख़त्म हो गई। तो ये अब ख़त्म हो चुका है, अब ये ओके हो गया। अब सबसे पहले जो काम करेंगे वो होगा इसकी ये ऊपर जो इतनी डस्ट पड़ी हुई है इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये जो PCB है इसमें ये देखें यहाँ पर एक रिले लगी हुई है, स्विचिंग रिले बड़ी, जो कि यहाँ पर ये देखें K5 की सूरत में यहाँ पे लगी हुई है। तो ये जो है वो स्विचिंग करती है जब SMPS जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा हो। अगर SMPS प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो फिर स्विचिंग नहीं करेगी। लेकिन ये रिले जो है वो लगी होती है सिस्टम को सॉफ्टली चलाने के लिए, यानी कि कंप्रेसर को सॉफ्टली चलाने के लिए, ताकि वो लोड सिस्टम बर्दाश्त कर सके। अगर ये लोड इस रिले पे ना हो, डायरेक्टली सिस्टम हो, तो फिर भी फॉल्ट है, क्योंकि अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, PCB के पास या माइक्रो कंट्रोलर के पास कंट्रोल ही नहीं होगा कि वो सिस्टम को ऑफ कर सके। तो इसलिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो कंपनी है वो यहाँ पर ये देखें PTC सेंसर लगा देती है। तो क्या होता है कि जब इनिशियली इलेक्ट्रिक सिस्टम में आती है तो इस PTC सेंसर से क्रॉस करके तो फिर जा रही होती है। तो इसका भी ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी वजह से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो ये PTC सेंसर जो है वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और फिर सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अब जब इनिशियली यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिस्टम में जा रही है तो इसकी जो मेन LED 2 है वो ऑन हो रही है। LED 2 जो है वो इस वजह से ऑन हो रही है कि यहाँ पर इसके अंदर ये लगे हुए कैपेसिटर्स और इसके अंदर ये देखें ये छोटा PCB लगा हुआ है, ये जो IPM PCB है इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये इसका SMPS जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है और ऑन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर जो है वो किसी किस्म का कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले जो टेस्ट देखेंगे कि क्या इस चोपर पर ये स्विचिंग IC जो है वो इलेक्ट्रिक को या 320 वोल्ट जो है वो ऑन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो यहाँ पे देखें एक पावर MOSFET लगा हुआ है, इसका नंबर है IRF UC20। तो इस पे चेक करेंगे सबसे पहले, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये R14, इनके रेजिस्टेंस 14, तो इसकी इस साइड पे जो है वो पॉजिटिव वोल्ट आ रहे हैं 300, जो कि इसकी पहली लग्जरी वाइंडिंग है उसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं और एक पॉइंट जो है वो ये देखें यहाँ पे ये सोर्स है, तो सोर्स के साथ पहले देख लेते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें 322 वोल्ट यहाँ तक पहुँच रहे हैं, मतलब कि इस MOSFET तक जो है वोल्टेज आ रहे हैं। अब जो है हम देख लेते हैं कि ये वोल्टेज जो है वो ड्रेन पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसकी ड्रेन साइड पे इसको अटैच कर लेता हूँ। तो ये ड्रेन साइड जो है वो ऑन नहीं हो रही है जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई वोल्टेजेस वगैरह नहीं है। इसका मतलब है कि हमें प्रॉपरली जो है वो इस स्विचिंग IC को चेक करने की ज़रूरत है ज़्यादातर। तो इस तरह करते हैं कि स्विचिंग IC पे हम ग्राउंड एक साइड से ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये ग्राउंड हमारे पास मौजूद है, इस कैपेसिटर से ले लेंगे और यहाँ से मैं इसकी पिन नंबर 5 है वहाँ पर चेक करूँगा कि हमें कुछ वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर देखें ये पिन नंबर 1 है, तो इस तरफ स्टार्ट हो तो ये 4 और ये इस तरफ 5, तो 5 नंबर पिन पे चेक कर लूँगा यहाँ पे मुझे। तो ये जो है इसकी यहाँ पर 184 मिली वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन जो है वो 8 से लेके 10 वोल्ट होने चाहिए, जो कि इसके DRV यानी कि ड्राइव वोल्टेज जो कि जा रहे होते हैं
यहाँ पर इस मोसफेट की गेट साइड पे, तो गेट साइड पे भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहे होंगे। अब ऐसी सिचुएशन में ये पॉसिबल है कि या तो ये जो स्विचिंग आईसी है ये खुद खराब है, और या फिर जो फीडबैक है वो प्रॉपरली नहीं है। तो इसकी क्या रीजन हो सकती है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि फीडबैक खराब है? तो देखिये, ऐसा होता है कि ये स्विचिंग आईसी जो है वो तकरीबन 66 किलो हर्ट्ज की स्पीड पे जो है वो काम कर रहा होता है। अब ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी सोच से भी ज्यादा है। इसलिए जब ये ऑन होता है फर्स्ट टाइम, अगर तो स्विचिंग आईसी ओके है, तो फिर ये क्या करता है कि एक दफा टेस्ट करता है, इसको ऑन करता है, और अगर फीडबैक इसको मिल जाती है तो फिर तो ये स्टेबल हो जाता है और जो है इलेक्ट्रिक ऑन हो जाती है, यानी कि आगे जो चोपर है वो बाद में सप्लाई वगैरह बनाना शुरू कर देता है और फिर यूं सारा सिस्टम ऑन हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से इसको जो फीडबैक का जवाब नहीं मिलता है, तो फिर ये दोबारा से ट्राई करता है, 4-5-10 दफा ट्राई करता है, उसके बाद ये फिर सिस्टम को स्टॉप कर देता है, जब तक कि इसमें से एक दफा इलेक्ट्रिक निकाली ना जाए और दोबारा इसमें इलेक्ट्रिक लगाई ना जाए, और उसके बाद फिर ये दोबारा से यही प्रोसेस करता है, और अगर फिर प्रॉब्लम हो तो फिर ऐसे ही चलता रहता है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्या इसमें फीडबैक का मसला है या कि इसका जो स्विचिंग आईसी है ये खराब है। तो इस चीज को जानने के लिए हम सबसे पहले जो वोल्टेज चेक करेंगे वो चेक करेंगे हम इसकी पिन नंबर 6 पे जो है वो VCC आ रही होती है, जो कि इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होती है, और पिन नंबर 4 जो है वो वहां पर ग्राउंड आ रहा होता है। तो हम इन दोनों को चेक कर लेंगे, पिन नंबर 4 पे लगा लेंगे, यानी कि हमारी ब्लैक प्रोब लग जाएगी, और पिन नंबर 6 पे, तो यहाँ पे VCC होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि तकरीबन 7.78 वोल्ट जो है वो तकरीबन फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि VCC पे वोल्टेज आ रहे हैं, इसकी फीडबैक में जो है वो इशू हो सकता है, और या फिर ये IC खुद ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पर हमने कौन सा डिसीजन लेना है, हमने फीडबैक पे काम करना है कि IC को चेंज करना है? तो देखें, ये स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि ये कुछ ही मिली सेकेंड में अपना काम कंप्लीट कर लेती है। तो सबसे पहले हम इसके फीडबैक पे काम करेंगे, अगर फीडबैक प्रॉपर नहीं आ रहा होगा तो फिर ये क्या है कि ये IC जो है इसी तरह से हैंग हो रहेगा और काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसके जो रेफरेंस IC है उसको देखते हैं कि वो ओके है कि नहीं। फीडबैक के लिए हमें यहाँ पर ये IC3, तो ये एक रेफरेंस IC है जिसका नंबर है TL431, तो ये जो है वो प्रोग्रामेबल प्रीसेशन जो रेफरेंस है, तो यहाँ पे हम ये रेफरेंस IC को चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जो है वो इसके क्रॉस सेक्शन पे मैं अपनी प्रोब्स को लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें कुछ देर के लिए कुछ वोल्टेज अगर नजर आए तो फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये जो ही इलेक्ट्रिक ऑन हुई और ये देखें 0.46, और ये साथ ही वोल्टेज खत्म हो गई। देखें, ये बार बार ट्राई कर रहा है, ये वोल्टेज आने की कोशिश हो रहे हैं, और ये देखें आए हैं 0.45 आ रहे हैं, और ये अभी बल्कि बन रहे हैं, और ये ख़त्म हो गई। देखें, दोबारा से ट्राई किया कुछ देर के लिए, और ये ख़त्म हो गई। इस तरह से ये बार बार ट्राई कर रहा है। तो ये देखें, ये IC2 जो है, तो ये इसका ऑप्टोकपलर है, ये इसकी एनोड और कैथोड साइड है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जब ये ऑन हो रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। ये अब इसने ट्राई करना बंद कर दिया है। अब इसको एक दफ़ा फिर हम बंद करेंगे, सिस्टम को दोबारा से डिस्चार्ज करेंगे, इसलिए हमें दोबारा से इसमें एक दफ़ा डिस्चार्ज करके इलेक्ट्रिक देनी होगी। तो इसके एनोड पर लगा लेते हैं, रेफरेंस IC के एनोड पे, और यहाँ पर इसके कैथोड पे, तो यहाँ पे 1 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि इसके इधर लगा लें आउटपुट पे, फिर चेक करते हैं तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहे। मतलब यह कि हमारा ये जो रेफरेंस IC है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हम चेंज करके देखते हैं। अब हम इसके इस IC को यहाँ से ऑफ करेंगे, तो इसके लिए पहले इसमें थोड़ी सी सोल्डरिंग को ऐड करेंगे, तो इसको आसानी हो जाती है फिर इसे। इसको मैंने आउट कर दिया इस यहाँ से, तो ये रेफरेंस IC है, इसमें लगा हुआ AZ431। ये दूसरा IC मैंने ले लिया है, इसका नंबर है TL43A। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसकी पोजीशन पे मैं इसको बिठा देता हूँ, थोड़ी सी पिन को टेढ़ा कर देंगे। अब इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे, और इसके साथ हम किसी पेस्ट भी लगाएंगे, पेस्ट बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारे टांके हैं वो अच्छे से लग जाएँ। तो यहाँ पर ये हो गया, ये भी हो गया, अब इसकी इलेक्ट्रिक को मैं ऑन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक को मैंने ऑन किया, थोड़ा सा वेट करेंगे, तो ये अभी भी ऑन नहीं हुआ है। इसके लिए मैं दोबारा से जो है इसके वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो इसके फीडबैक के जो वोल्टेज हैं वो चेक करते हैं, एनोड के थोड़े पे आ रहे हैं, अभी भी नहीं आ रहे, जबकि इस तरफ आ रहे हैं, और आउटपुट पर वोल्टेज कोई नहीं आ रहे, यहाँ पे भी नहीं आ रहे। अब ये PCB जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है,
लेकिन इसमें मसला क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, इलेक्ट्रिक को मैंने ऑन किया, ये इसकी जो पावर एलईडी है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जल चुकी है, और इसी तरह से इसकी जो एलईडी वन है वो भी जल चुकी है। ये दोनों देखें, ये भी जल चुकी है, और जो रिले है उसने भी स्विच कर लिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा पीसीबी ओके हो गया है। अब कुछ देर में जो है वो एरर आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, इसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। तो ये जो है इस वक्त गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दफ़ा ये जो है वो ब्लिंक्स आ रहे हैं। तो 12 दफ़ा जब ब्लिंक्स आ जाते हैं, तो चूंकि यहाँ पर मैंने किसी किस्म का कोई भी सेंसर जो है वो नहीं लगाया हुआ है, देखें कोई भी सेंसर यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ ये किसी ना किसी सेंसर का फॉल्ट है जो हमें इस वक्त दिखा रहा है। आउटडोर एम्बियंट सेंसर जो है वो इसमें नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से ये 12 टाइम ब्लिंक कर रहा है। लेकिन मेन चीज़ जो है वो हमारा पीसीबी इस वक्त ऑन हो चुका है, ओके हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या था। तो इसके लिए हमने दोबारा से जो वोल्टेज है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ताकि फिर आइंदा अगर आपके पास या आप करना चाह रहे हैं इसको ठीक, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब थोड़ी देर पहले जो हम वोल्टेज चेक कर रहे थे उसमें थोड़ा सा फॉल्ट था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, तो इस वजह से जब मैंने इसको प्रॉपरली समझा तो फिर मैं उसको ठीक कर पाया। जब हम इसके रेफरेंस आईसी को चेक कर रहे थे, तो एक जगह एक साइड पे जो थे वो आ रहे थे वोल्टेज 0.5 वोल्ट आ रहे थे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ग्राउंड यहाँ से ले लेते हैं, ये देखें यहाँ पर 2.43 वोल्ट आ रहे हैं इसके रेफरेंस पे आ रहे हैं, और जबकि इसके आउटपुट पे जो है वो हम देख लेते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं, तो 1.01 वोल्ट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी ऑप्टोकुपलर पर भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 1.0 वोल्ट आ रहे हैं। लेकिन जो देखने वाली और सीखने वाली चीज़ है कि ये वोल्टेज जो है इस वक्त यहाँ पे स्टेबल है, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर अनस्टेबल होते, जैसे कि वो फ्लैक्चुएट कर रहे थे, तो वो प्रॉपर नहीं थे, इस वजह से आईसी ऑन नहीं हो रहा था और आगे वोल्टेज है वो नहीं आ पा रहे थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं पिन नंबर 5 पे। तो ग्राउंड हम यहाँ से ले लेते हैं, इस कैपेसिटर से, E3 से, और जो पॉइंट नंबर पिन है वहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे थे, अब यहाँ पर 1.102 कुछ हिस्सा से वोल्टेज आ रहे हैं, और बिल्कुल फ्लक्चुएशन इसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह से VCC पे जो मल्टीमीटर है वो हमें 10.65 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन पहले हम जो देख रहे थे वो थे 7 point or something, और वो भी फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन चूंकि ऑन ऑफ हो रहा है और वो प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे थी, इसी कैपेसिटर में। ये देखें, यहाँ पे पहले ब्लैक कैपेसिटर लगा हुआ था जब हमने पहले इसमें वोल्टेज चेक किए थे, अब यहाँ पर ब्लू कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया है। और ये कैपेसिटर है E3, ये 22 माइक्रोफेरड और 50 वोल्ट का कैपेसिटर है जो कि मैंने चेंज किया है। और अगर देखा जाए तो वैसे ये दिखने में और इसके टेस्ट में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा एक्चुअली वो वोल्टेज भी ड्रॉप कर रहा था और फ्लक्चुएशन भी हो रही थी। ये है वो कैपेसिटर जो मैंने चेंज किया है, 22 माइक्रोफेरड और 50 वोल्ट्स हैं। तो इस मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं, अभी ये जो है तकरीबन 15.7 माइक्रोफेरड जो है वो हमें शो कर रहा है, तो ये अपनी वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे आ चुका है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू कम होने का चांस होते हैं वो है जी तकरीबन मेरे ख्याल से 10% है। तो अगर 10% देखा जाए तो इसको होना चाहिए था तकरीबन 18 तक होना चाहिए था, लेकिन ये 15 तक जा चुका है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है और ये कैपेसिटर वीक हो चुका है, इसलिए प्रॉपर जो है वो काम नहीं कर रहा था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।